Hi guys, welcome back to another video. और आज के वीडियो में हमारे पास है नथिंग की तरफ से आने वाले CMF Buds. CMF जो है वो नथिंग का एक सब ब्रांड है और कुछ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट जो नथिंग अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च नहीं कर पाता है वो CMF के अंदर लॉन्च होते हैं. और आज के इस वीडियो में हम इनकी पूरी टेस्टिंग करने वाले हैं. आपको बताऊंगा कि किस स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं ये, क्या प्राइस है इनका और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो शुरुआत करेंगे बॉक्स के साथ. तो सबसे पहले एक स्क्वायर सा बॉक्स मिल जाता है, छोटा सा, काफी हल्का बॉक्स है. तो चलो अब इस बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. तो इस तरह से आप इस बॉक्स को खोल सकते हो. और बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको देखेंगे एयर टिप्स, काफी सजा के रखा गया है इनको. एंड बॉक्स में आपको ऊपर की तरफ सामने आपको देखने को मिल जाएगा एयरबड्स, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं. एंड पीछे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, साइड में रख देते हैं इसको. एंड वेट अ मिनट, इसके अंदर आपको कोई भी चार्जिंग केबल नहीं मिलता है. तो क्लियरली देखा जा सकता है नथिंग ने जो है वो कॉस्ट कटिंग करी. आपको सिर्फ ईयरबड्स और आपके एयर टिप्स मिलते हैं, इसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. तो कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ आता है ये. यहाँ पर मेरे पास जो है वो ऑरेंज कलर में है. इसके अलावा इसमें आपको एक डार्क ग्रे और एक लाइट ग्रे कलर भी मिल जाता है. तो डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा कूल सा डिजाइन लगा मुझे. यहाँ पर आपको एक फिजेट जैसा एक व्हील दिख जाएगा जिसको आप इस तरह से घुमा सकते हो. बट एक्चुअली ये फिजेट के लिए नहीं है, ये है आप इसमें लैनियर्ड कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको एक थोड़ा फंकी लुक मिल जाएगा. ओवरऑल दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है, एटलीस्ट कुछ तो नया है यहाँ पर. सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नथिंग का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, और साइड में आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, साथ ही उसके रीसेट बटन भी मिल जाता है, और सामने ही आपको एक इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है. और इन ईयरबड्स को ओपन करते ही आपको सबसे पहले जो चीज नोटिस करने को मिलेगी वो है इन ईयरबड्स का प्लेसमेंट. ठीक नथिंग ने अपने ईयर वन और ईयर टू के अंदर जिस तरह से बर्ड्स को प्लेस किया है वैसा ही अंदर से आपको डिजाइन देखने को मिलेगा. ये ट्रांसपेरेंट नहीं है वो अलग बात है. अंदर भी आपको CMF बाय नथिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और बर्ड्स के ऊपर भी आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी. CMF के लोगो आपको दिख जाएगा, नथिंग का लोगो आपको दिख जाएगा बर्ड्स के ऊपर भी. और इसके केस की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी. इसका जो मैग्नेट है वो बहुत ही बढ़िया है, जब आप इसको बंद करोगे तो ये करेगा. देखो आप कितना भी कोशिश कर लो ये अपने आप नहीं खुलेगा, और अगर आप इसको खोलोगे तो इसकी हिंज जो है वो इसको अपने आप रोक लेगी यहाँ पर. मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे आपने खोला और वो बंद हो जाते हैं, बट ये ऐसा नहीं है. आप इसको खोलोगे तो ये खुला रहेगा, विच इज अ गुड थिंग. और ईयरबड्स को ओपन करते ही आपके फोन में एक पॉपअप आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको फास्ट पेयर का सपोर्ट मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है. तो टैप करते ही आपके फोन में इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं फास्ट पेयर की हेल्प से. और कनेक्ट करते ही आपके फोन में एक और पॉपअप आएगा नथिंग एक्स ऐप को डाउनलोड करने के लिए. और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने ईयरबड्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो. साथ ही इसके अंदर आपको 12.4 mm के बायो फाइबर ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिससे साउंड क्वालिटी जो है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाती है और ज्यादा HD साउंड आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट का सपोर्ट भी मिल जाता है. तो आप अपने साउंड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो. और एक चीज जो मैंने नोटिस करी इन ईयरबड्स के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे ही आप साउंड की ट्यूनिंग को चेंज करते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको लिटरली फील होगा कि हाँ साउंड में कुछ चेंजेस हुए हैं. और इसके अंदर आपको 42 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है, साथ में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है. एक चीज जो मैंने नोटिस करी इतने टाइम इसको यूज करने के बाद वो ये है कि इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है. आप भीड़ भाड़ में कहीं भी इसको यूज कर रहे हो आपको बिल्कुल भी बाहर का शोर नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड यूज करते हो तो आपको बिल्कुल भी फर्क पता नहीं चलेगा. जितना अच्छा इसका ANC है उतना ही खराब इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी है. आई डोंट नो नथिंग ने ट्रांसपेरेंसी मोड पे काम क्यों नहीं किया, बट अगर आप 70-80% के वॉल्यूम में इसको यूज कर रहे हो अपने कान में लगा के और आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन भी कर देते हो तब भी आपको फर्क पता नहीं चलेगा. और इसके अंदर आपको अल्ट्रा बेस का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही आप इस बेस के लेवल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो ऐप के अंदर ही. और इसकी जो फिटिंग है ना वो भी बहुत कमाल की है. आप आराम से इसको अपने कान में पहनकर वर्कआउट वगैरह कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, और बहुत ही लाइट वेट है ये, आपके कानों में अच्छे से फिट हो जाएंगे. चाहे आप भागो दौड़ो कुछ भी करो ये आपके कान में से बिल्कुल नहीं गिरने वाले हैं. अब अगर बात करूँ साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी जो है वो मुझे काफ़ी सही लगी इसकी. काफ़ी बैलेंस साउंड है, जो आपको लिरिक्स वगैरह, वोकल्स, ट्रेबल्स, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. बट जो इसका साउंड है वो लाउड नहीं है ज्यादा. मतलब अगर आपको ज्यादा लाउड साउंड सुनना पसंद है तो इसके अंदर आपको इतना लाउड साउंड नहीं मिलेगा. मैं इसको पिछले 7 दिन से यूज कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ OnePlus के वायरलेस बुलेट Z3 ANC. लेकिन उसके अंदर जो साउंड क्वालिटी मुझे मिलती है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मिलती है. मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा और मुझे उसकी साउंड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि वो भी इसी प्राइस सेगमेंट में आता है. बात करूँ अगर इसके प्राइस की तो ये मुझे मिला है 2300 रुपए का, लेकिन अगर आप इसको बाय करने जाओगे तो शायद अब ऑफर खत्म हो गया होगा, तो ये आपको 2499 के आसपास मिलेगा. इसके अलावा इसके अंदर आपको 4 माइक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसी कॉलिंग क्वालिटी मिलती है. तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपको 4 माइक का सपोर्ट मिलता है, 2 माइक आपको पर ईयरबड्स के अंदर मिल जाते हैं, और जब आप कॉल पे बात करोगे सामने वाले से तो कुछ इस तरह की आवाज सामने वाले को सुनाई देगी. और वैसे मैं अभी अपने स्टूडियो के अंदर हूँ तो आपको ज्यादा नॉइज वगैरह नहीं आ रही होगी बाहर की, बट फिर भी आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि इसके थ्रू जो है अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है
वो किस तरह की सुनाई दे रही है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ये IP57 की रेटिंग के साथ आता है, तो अगर आप इसको जिम विम में पहन के जाना चाहते हो आराम से पहन सकते हो। और एक चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ इन बर्ड्स की, वो है इसका बैटरी बैकअप। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके आप इनको 6.5 घंटे तक यूज कर सकते हो, और फुल चार्ज करने के बाद ये आपको आराम से 38 आवर्स का बैकअप दे देंगे। तो अगर आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हो और आपके पास ये है तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हो लंबे टाइम के लिए भी। एंड साथ ही इसके अंदर आपको डुअल पेयरिंग का फीचर भी मिल जाता है, तो आप इसको अपने फोन और लैपटॉप दोनों से एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर बाकी फीचर जैसे इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, अगर आप अपने कान में से निकालते हो तो गाना अपने पॉज हो जाएगा, कान में वापस लगाओगे तो गाना वापस से चालू हो जाएगा। और आप इस फीचर को कंट्रोल कर सकते हो ऐप की मदद से, चाहो तो आप इसको बंद कर लो या चाहो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। और साथ ही नथिंग ने क्लेम किया है कि इसके अंदर आपको लो लेटेंसी मोड मिलता है, ऐप के अंदर आपको इस फीचर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट मेरी टेस्टिंग के टाइम पर मुझे काफी अच्छी खासी लेटेंसी फील हुई, मैंने पबजी वगैरह खेल के देखा, मैंने टेस्ट भी किया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरह की लेटेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। आप मुझे बताओ कि ये ज्यादा है या कम है, मुझे तो काफी ज्यादा लगी। और ऐप के अंदर फाइंड माई ईयरबड्स का फीचर भी मिलता है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपका ईयरबड्स घर में कहीं इधर उधर गिर गया है तो आप अपने फोन में ही फाइंड माई ईयरबड्स की मदद से ढूंढ सकते हो। जैसे आप लेफ्ट या राइट वाले पे टैप करोगे, ईयरबड्स के अंदर से एक आवाज आने लगेगी जिसकी हेल्प से आप अपने ईयरबड्स की लोकेशन पता कर सकते हो। तो 2499 के बजट में आने वाले ये ईयरबड्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।